नमस्ते, स्वागत है कल्पना की स्वादिष्ट रसोई में। तो फ्रेंड्स, अभी ज़रा से हम व्यस्त चल रहे हैं इसलिए कम वीडियो डाल पा रहे हैं। तो आज कुछ डिफरेंट बनाने वाले थे, आलू वड़ा बनाने वाले थे, अरवी के पत्ते की पकौड़ी बनाने वाले थे, वो भी अपने तरीके से। तो सोचा एक छोटा सा वीडियो आप लोग के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने ले रखा है चने की दाल है, जो मैंने भिगो करके एक कटोरी रख दिया है। ये बहुत अच्छे से भीग चुकी है। आप यहाँ पे बेसन का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर चने की दाल में बनाते हैं तो पकौड़ियाँ बहुत क्रिस्पी बनती हैं और क्रंची बनती हैं। तो ये हमने अरवी के पत्ते ले रखे हैं, बहुत आसानी से आजकल मिल जाते हैं बाज़ार में, मार्केट में। तो चलिए, इसको हम ऐसे लगा करके, बेसन लगा के नहीं बनाएंगे, इसको हम कट करके बनाने वाले हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए और हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम इन पत्तों को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, जो अरवी के पीछे बैक साइड में डंठल है, इसको हम काट देंगे। ये मैंने ऐसे कट करके रख दिया है और ये मैंने बारीक बारीक इसको कट कर लिया है। सारे मोटे ऐसे पीसेस को कट कर देंगे, अलग कर देंगे और ऐसे बारीक बारीक हम कट कर लेते हैं। तो चलिए, ये कट चुका है फ्रेंड्स, मैंने पत्तियों को कट कर लिया है। अब हम दाल को ग्राइंड कर लेते हैं। आप यहाँ पे उड़द दाल का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर चने दाल से अगर बनाएंगे तो बहुत ही अलग स्वाद रहता है। और एक बार आप ऐसे बनाइएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये चने दाल है जो भीग चुकी है, और हमने यहाँ पे ले लिया है लहसुन, 10-15 कलियाँ हैं। लहसुन का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, और ये है ग्रीन मिर्ची, मिर्ची ऑप्शनल है, लहसुन भी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर लहसुन इसमें डालते हैं तो अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये साथ में हम इसको पीस लेते हैं। यहाँ पे डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून हींग, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और यहाँ पे हम डाल देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालिएगा, 1/2 टेबल स्पून नमक। और चलिए, हम यहाँ पे पानी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बिना पानी मिलाए इसको अच्छे से पीस लेते हैं। तो ये देखिए, दाल को, चने की दाल को पीस लिया है। अब हम इन पत्तियों के अंदर, अरवी के पत्ते के अंदर इसको अच्छे से डाल करके, जैसे सारी पकौड़ी में, प्याज वाली पकौड़ी में, आलू वाली पकौड़ी में मिक्स किया जाता है, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो चलिए, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। वैसे गोल गोल ऐसे हम वड़े बना लेंगे इसके। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड डाल दिया है पकने के लिए। आप जिस भी ऑयल का प्रयोग करते हैं कर सकते हैं। ये देखिए, ये पकौड़ियाँ खाने में बहुत ही क्रंची रहती है, हेल्दी भी बहुत ज़्यादा रहती हैं और स्वादिष्ट रहती हैं, बहुत कम मसालों के साथ बनती हैं। तो हमें ऐसे गोल गोल बड़े इसके बना लेने हैं। एक बार आप हमारे हिसाब से बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो सारे ऐसे बड़े हमें गोल गोल बना लेने हैं। पकौड़ियों को बनाते पकाते समय गैस की फ्लेम को स्लो रखना है, स्लो रखना है, नहीं तो वो ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। तो ऐसे ही हमें सारे वड़े बनाने, इसको हमें स्लो फ्लेम पे ऐसे ही पकाते रहना है। देख रहे हैं, बहुत ही क्रंची लग रही है, बहुत ही करारी पकौड़ियाँ बनती हैं ये। एक बार आप ऐसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। और प्लीज़ मेरे वीडियो से, वीडियो में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हमारी नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन की बटन को ऑल पे करें, जिससे कि हमारी सारी रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो चलिए, देखते हैं, ये पक चुके हैं, ये देखिए। अब इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये देखिए, अरवे के पत्तों की पकौड़ियाँ गर्मा गर्म बन करके तैयार हो गई हैं ये। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ ट्राई।